ना बाइबल बुरी ना कुरान बुरा है कि ना बाइबल बुरी ना कुरान बुरा है। और बहुत ही सुंदर लाइन आपके बीच में सुनने और सुनाने की कि ना बाइबल बुरी ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा है, और सच्चाई तो यह है कि बुरा वो है कि जिस इंसान का इस दुनिया में ईमान बुरा है। सजनों, हमारे बड़े बड़े पौराणिक इतिहास रहे हैं, वो भी आजादी के दीवाने परवाने जो अपने जवानी का बलिदान कुर्बानी देकर के हमें आजादी दे गए। सजनों, आज उनकी याद, आज हम उनको याद करने में शर्माते हैं, उनका नाम लेने में शर्माते हैं। कितने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी, अपना बलिदान देकर के हमें आजादी दिलाई, लेकिन आज उनकी ना कोई गौरव गाथा को सुनने को तैयार है, ना उनकी याद में दो फूल सुनने को तैयार है। सजनों, एक वो भी हमारा हिंदुस्तान का बच्चा था, हिंदुस्तान का जांबाज था, पाकिस्तान के लोग, एक दिन तो वो था कि जिन्होंने हिंदुस्तान को रुलाया, और एक शख्स वो भी था कि जिसके कारण हिंदुस्तान रोया। कौन? अब्दुल कलाम। सजनों, जिस दिन इस दुनिया से गया उस दिन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रोया उसके लिए। तो ये हिंदुस्तान का जो सच्चा सिपाही है, जो देशभक्त है, उसका बड़ा दुख होता है। मैं चाहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए एक बार दिल की गहराई से जोरदार ताली बजा करके श्रद्धांजलि देते, एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। सत्यवान और सावित्री के किस्से की रागनी की फरमाइश हुई, जो मैंने पहले रागनी रखी थी कि सावित्री जी लकड़े से मेरा और लेट जा पिया जी सर दबा दू मैं तेरा। सजनों, सावित्री सत्यवान के सर को दबा रही है, सत्यवान के सांस पूरे हो जाते हैं और यम के दूत प्राण लेने के लिए सामने खड़े हैं। यम के दूत प्राण लेने के लिए सामने खड़े हैं। यम के दूत जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं प्राण लेने के लिए, सावित्री को दिखाई दे गए। सावित्री ने अपनी योग माया से, सावित्री के नेत्र लाल और मुख से अग्नि बरसनी शुरू हो गई। यम के दूतों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सावित्री की गोदी में से सत्यवान के प्राण ले लें। लाचार होकर के वापस चले गए यमराज के पास और कह दिया कि हमसे प्राण नहीं लिए जाते, तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। सजनों, खुद धर्मराज प्राण लेने के लिए आते हैं, सावित्री की अग्नि खत्म की, सत्यवान के प्राण लिए लेकर के प्राण चले, तो सावित्री एक पैर पर खड़ी हो गई। और के सावित्री कहती है और के धर्मराज कहते हैं, दोनों के सवाल जवाब आपके बीच में है। हाँ तो बेटी सावित्री, कहिए महाराज। क्यों रो रो करके अपने आंखों की ज्योति को खराब कर रही है? रोना धोना बंद कर दो, अपने घर को जाओ। हे महाराज, हाँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हो, जबकि आप अच्छी तरह जानते हो कि आप मेरे पति के प्राणों को लेके जा रहे हो। अच्छा, और मैं आपको अपने पति के प्राणों को नहीं ले जाने दूंगी। तुम कौन हो हमें रोकने वाली? जिसकी आयु के दिन पूरे हो जाते हैं उसे दुनिया से जाना होता है। तेरे पति सत्यवान के प्राण मैंने ले लिए क्योंकि इसकी आयु पूरी हो गई। अब ना ये तेरा पति सत्यवान, ना तो इसकी पत्नी सावित्री, जीते जी का मेल है। इतनी जल्दी मेरे पति की आयु कैसे पूरी हो सकती है? इंसान की जितनी आयु होती है उतने ही दिन उसे इस दुनिया में जीवित रहना होता है। कि पांच तत्व का खेल बिगड़ के निकट आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा सामने, पंछी पैर पसार गया। ये खाली मिट्टी पड़ी है और खाली मिट्टी पर रोना व्यर्थ है। महाराज, हाँ। मैं आपसे अपने पति के प्राणों को वापस मांगती हूँ, आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस दे दो महाराज। नहीं दूंगा, चाहे रो रो कर भी तुम अपने प्राण त्यागने को मजबूर हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कहो अपनी बात और मेरी सुनो। सुनिए महाराज, कहो। मेरी
अरजी सुनो या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे जन्म लेनिया मरे एक दिन हाँ। ये कुदरत के नेम है बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी शया खीरी नेम है बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी शया खीरी नेम है बेटी बिना पति का दुखियारी की हो माती कोई मेरा नाम मेरी मजदार हो जा अंदेसा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वारी हो जा अंदेसा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वारी हो जा ओ मेरे दिल पे प्राणी इस दुनिया में बड़े अमन चैन के साथ बियाबान जंगल में रह रहे जी महाराज चारों में से तीन रह गए तुम तीनों की जिंदगी तुम्हारे पति सत्यवान के सहारे से कटिया करती जी महाराज तेरे सास ससुर वो आंखों से अंधे हैं जी बहुत बहुत दुख हुआ सुनकर के तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ लेकिन जो होता है वो कर्मों के लेख के अनुसार होता है लेकिन बेटी सावित्री मैं तुम्हें तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण तो वापस नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे जीवन के तुम्हारे जीवन की तपस्या से बढ़ाती प्रसन्न हूँ खुश हूँ जी करता की बहुत सारी खुशियां दूं लेकिन सत्यवान के प्राण देने में मैं असमर्थ हूँ मजबूर हूँ महाराज हाँ। ऐसा मत कहिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपसे झोली फैला कर भीख मांगती हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दो महाराज मेरे पति के प्राणों को वापस दे सुनो मेरी बात तेरे तप के तेजी के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा
लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज दके और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना त्यालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना त्यालूंगा। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू लगता है कि धर्मराज का अब तुम्हें विश्वास नहीं रहा। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात क्यों नहीं? मैंने कहा कि सत्यवान के प्राण छोड़ दे, कुछ भी ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुमने कहा कि देना चाहते हो तो पहले तीन वचन भर लो। जी महाराज। तो इससे मेरा दिल गवाही देता है कि तुम्हारे विश्वास नहीं। महाराज मुझे आपका पूरा विश्वास है, लेकिन आपने कहा कि आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दे सकते। हाँ। अगर आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दे सकते तो आपको तीन वचन भरने होंगे महाराज। मैं तीन वचन भी भर लूंगा, लेकिन तीन वचन भरवा करके मेरे साथ में धोखा मत कर देना। नहीं महाराज, मैं आपके साथ धोखा करने की सोच भी नहीं सकती, करना तो दूर की बात। सुनो मेरी बात। कहिए महाराज। तीन वचनों में कुछ भी मांग लेना, लेकिन एक चीज छोड़ देना। कौन सी चीज महाराज? सत्यवान के भी मांग करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखटके बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा। कौन सा? वचन तीसरा। वचन तीसरा मेरी कोकत एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोकत मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ हो, सुनो या मेरा।
मैं तो जान कर बैठा था कि सावित्री ना जाने के मांगेगी। तुमने तीन खुशियां मांगी जी महाराज। पहली खुशी कि तेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आंखों की रोशनी मिल जाए जी महाराज। दूसरी खुशी कि तेरे सास ससुर राजा रानी थे, राजपाट के मालिक थे, मंत्री चौंडराय ने उनके साथ में छल कपट धोखा बेईमानी की, उनका राजपाट लूट लिया जी महाराज। उनका वही राजपाट वापस मिलना चाहिए बिल्कुल महाराज। तीसरी खुशी कि तेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, तेरे सास ससुर जो जिनकी उम्र ना जाने कितनी और शेष बकाया है, आज मरे कल दूसरा दिन, राजपाट वापस मिले। राजपाट को संभालने वाला चाहिए, बड़ा होकर के तुम्हारा नाम रोशन करे, तुम्हारी सेवा करे, प्रजा की देखभाल करे, राजगद्दी पर बैठकर के राज करे, तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा होना चाहिए जी महाराज। और कुछ चाहिए? नहीं महाराज। मांग लो ये मौका है। मैंने आपसे छोटी छोटी तीन खुशी मांगी है तीन वचनों में, मुझे आप यही दे दो बस, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए महाराज। और नहीं चाहिए? नहीं महाराज। सुन ले मेरी बात, सास ससुर तेरे पने सूझते, सास ससुर तेरे पने सूझते, उन्हें आँखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हुआ महाराज। छलते लिया मंत्री ने जो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। वचन तीसरा, तेरी कोख से पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तुम्हें तुम्हारी तीनों खुशी मैंने दे दी जी महाराज। तुम्हारे सास ससुर अंधे वो नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट वापस मिल जाएगा और तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा हो जाएगा। और बेटी सावित्री अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाते हो महाराज? अभी आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं किया। तीसरा वचन क्यों कर पूरा नहीं किया? तूने कहा कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए, मैंने वही कह दिया कि जाओ तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होगा महाराज। हाँ? मैंने कहा कि मुझे तीसरे वचन में एक सुंदर सा बेटा मेरी कोख से पैदा होना चाहिए, तो मैंने वही दिया। आपने कहा हाँ? लेकिन आपने सोच समझ के नहीं कहा। कैसे? कहिए दोबारा। कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम बैसले हो, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे, बिना पति के पतिवरता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो नट, मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो नट, मेरा पति जीवाओ रे। बेटी सावित्री मेरे से बहुत मोटी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे बेटी। नहीं महाराज, मैंने तीसरा वचन वाकई सोच समझ के नहीं दिया। तुम्हारे दुख में विलीन होकर के जो तुमने मांगा मैं देता चला गया, लेकिन मैंने तीसरे वचन का ये ख्याल नहीं किया कि एक पतिव्रता औरत का अगर जटी मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो पतिव्रता औरत के संतान कैसे और कहां से पैदा हो जाएगी। मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो महाराज। मैं आपको क्षमा कैसे कर सकती हूँ? क्षमा नहीं कर सकती तो मैं जानता हूँ कि तू बड़ी बुद्धिमान है, इससे निकलने का कोई रास्ता बता सकती है तो तू बता सकती है, नहीं तो मेरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है महाराज। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे अपने पति के प्राणों को ना मांगू। हाँ। आपसे जो भी मांगूंगी वही दोगे। हाँ। तो मैंने आपसे अपने पति के प्राण तो नहीं मांगे, छोटी छोटी तीन खुशी मांगी, आपने तीन खुशी भी पूरी नहीं की महाराज। अब आपके सामने दो ऑप्शन है। कौन से? नंबर एक, या तो आप मेरे पति को जिंदा करो महाराज, और नंबर दो, अगर आप मेरे पति को जिंदा नहीं कर पाते तो अपने वचन पूरे करने के लिए वरदान दीजिए, वचन पूरा करिए कि मेरी कोख से बेटा पैदा हो। मैं तुम्हारे पति को जिंदा कैसे करूं क्योंकि इनकी आयु तो पूरी हो गई, इनके प्राण में ले चुका हूं। तो वचन पूरा करिए महाराज। वचन मैं क्यों कर पूरा करूं, मेरे तो गलती हो गई। जब तुम
तुम्हारा पति जिंदा नहीं रहेगा तो संतान कैसे कहां से पैदा? तो वचन हार हो जाइए। वचन हार हो गया तो दुनिया में मेरा डंका बच जाएगा, धर्मराज का कोई विश्वास नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं महाराज? मुझे कोई उपाय बता दो और ना तो मुझे क्षमा कर दो। आपने मुझे एक बेटी कहा है, हाँ। तो एक बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। कौन सा? आपने कहा कि मेरे पति की आयु तो पूरी हो चुकी है। हो चुकी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी आयु अभी कितनी बाकी है? तुम्हारी तो बहुत लंबी आयु है, तुम्हें तो बहुत दिन और जीना है। तो महाराज, हाँ। मैं आपको एक उपाय बताऊँ अगर आप मानो तो। कौन सा? आज मेरे पति की आयु तो पूरी हो चुकी है, हाँ। लेकिन जितनी भी मेरी आयु बाकी है, मेरी आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दो महाराज। उससे मेरे पति भी जिंदा हो जाएंगे और आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे श्रोताओं की। और एक काम और अच्छा होगा महाराज। कौन सा? कि जब हम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, हाँ। ना एक मिनट ऊपर ना एक मिनट नीचे, तो एक दिन हम जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ महाराज। एक दिन मरेंगे भी साथ। Oh,